हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी प्रीति, आ गई हूँ आज फिर आपसे मिलने के लिए और ढेर सारी बात करने के लिए। और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, मतलब टाइम हो गया मेरे को लखनऊ से आए हुए, 3 दिन तो हो गए कम से कम। और किसी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पा रही थी और मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, सो इसलिए आज मेरे को टाइम मिला है और मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो डॉक्टर मेरे को क्या बोले हैं मैं आपको बताती हूँ। तो डॉक्टर्स ने, जब हम गए लखनऊ तो डॉक्टर ने एक तो बहुत सारी रिपोर्ट्स करवाई। पहले तो हमें देखा, फर्स्ट डे हमारा ऐसे ही गया, मतलब डॉक्टर ने चेकअप किया, गया तो सब हुआ, हमारी फाइल्स देखी जो पुरानी थी वो सब देखी, और उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट डे बुलाया हमें कि आपको नेक्स्ट डे आना है और आपकी रिपोर्ट्स होंगी। तो नेक्स्ट टाइम फिर गए, हमारी रिपोर्ट्स हुई, और रिपोर्ट्स हुई उसके बाद रिपोर्ट्स लेने के लिए उसके भी तीसरे दिन उन्होंने बुलाया। तो उसके तीसरे दिन जब हमें रिपोर्ट्स मिली तब डॉक्टर से बात हुई, और रिपोर्ट्स में जो आया तो, और जब डॉक्टर ने बोली तो दिमाग बिल्कुल मतलब बंद हो गया काम करना, कि ये समझ में नहीं आता कि डॉक्टर ऐसे क्यों बोल रहे हैं और ऐसा क्या हो गया। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी अपनी रिपोर्ट्स और डॉक्टर क्या बोले हैं। डॉक्टर बोले हैं कि मेरी मतलब जो ओवरी है, मेरी ओवरी में सिस्ट है, तो वो मेरे को काफ़ी टाइम से है, वो सिस्ट मेरी ओवरी में आज से नहीं है, मेरी शादी के बाद से, जब से मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तब से वो सिस्ट मेरी ओवरी में आता ही है, मतलब रहता ही है। तो इतने सारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया हमने, इतने सालों से ले रहे हैं, तो कुछ डॉक्टर तो बोलते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। होता है लेडीज़ों में, ये होती रहती हैं चीज़ें, बहुत सी लेडीज़ों में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, मेरे को एक प्रॉब्लम और है, मेरे को इंडोमेट्रियोसिस है, पर हाँ इंडोमेट्रियोसिस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है। तो डॉक्टर भी वही बोले हैं कि मेरे को इंडोमेट्रियोसिस है तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है मेरे शरीर में, और वो काफ़ी बड़ी हो गई है, मेरी सिस्ट जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई है। सो मैं आज आपके साथ उसे बताऊंगी, मैं दिखाऊंगी कि मेरे को कहाँ सिस्ट हुई है और वो कितनी बड़ी है। सो ये है मेरी फाइल, इसके साथ ही ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है मेरी, और ये है मेरा यूट्रस, और ये दोनों मेरा यूट्रस है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि मेरे यूट्रस में भी कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी, तो ये इस वजह से यूट्रस का भी अल्ट्रासाउंड किया था, तो इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है उन्होंने बोला है डॉक्टर ने। और इसके अलावा ये मेरी सिस्ट है जो काफ़ी बड़ी है, मतलब आप देखो ये वाली सिस्ट जो काफ़ी बड़ी है। वैसे मेरे दो सिस्ट हैं, राइट ओवरी में भी दो सिस्ट हैं और लेफ्ट में भी हैं सिस्ट। तो आप, ये मेरी सिस्ट है, ये काफ़ी बड़ी सिस्ट हो गई है, तो इस वजह से मेरे को शायद प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि शायद इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। और ये सिस्ट जो है मेरी 4.7 सेंटीमीटर की है, यहाँ पे है राइट ओवरी मेंस्योर 4.7 सेंटीमीटर और लेफ्ट ओवरी 4.9 सेंटीमीटर। तो ये मेरी रिपोर्ट्स आई हैं। वैसे डॉक्टर ये बोल रहे थे कि मतलब जो सिस्ट है, पहले मेरे सिर्फ राइट ओवरी में थी सिस्ट, फिर लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरे को अभी कुछ महीनों से, 2-3 महीनों से मेरे को लेफ्ट में भी पेन होना स्टार्ट हो गया। तो लेकिन जब हमने रिपोर्ट्स करवाई, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें मेरे लेफ्ट ओवरी में भी अब सिस्ट हो गई है स्टार्ट। वाई ये भी बोलते थे कि एक साइड में तो उसे कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी साइड तो ठीक है ना, तो अगर राइट से नहीं तो लेफ्ट से ही सही पर प्रेगनेंसी हो जाएगी, बट वो भी नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए थोड़ा हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। और फिर एक यूट्रस की प्रॉब्लम और बता दी, यूट्रस में भी मेरे प्रॉब्लम है थोड़ी, तो इस वजह से। और फिर हमें अपनी रिपोर्ट्स तो करवानी थी प्रेजेंट की, मतलब ये रिपोर्ट्स हमारी जो पहले वाली हैं वो, टाइम हो गया है 1 साल के करीब हो गया है हमें ट्रीटमेंट लिए हुए। उसके बाद थोड़ा सा हमने सोच लिया था कि थोड़ा बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाई हैं, और अभी तक खा रही हूँ, वैसे ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है, हम अभी तक कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ हर तरह से हमने कोशिश की है बच्चे के लिए कि भगवान सुन ले शायद हमारी, और किसी तरह से सुन ले, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो फिर अब हमें, और IVF के लिए हमने सोचा, बहुत सोचा, उसके बाद हमने ये तय किया कि नहीं अब हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि टाइम निकलता चला जा रहा है और टाइम ज़्यादा भी निकालना अच्छी बात नहीं है। कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम आगरा छोड़ के लखनऊ क्यों गए,
मतलब अपना ट्रीटमेंट के लिए हम आगरा छोड़ के क्यों लखनऊ गए, तो उसका रीज़न मैं आपको ये बताती हूँ कि उसका रीज़न ये है कि हम आगरा में रहते हैं पर मेरी केयर करने वाला कोई नहीं है यहाँ। ये हमने ये डिसाइड किया कि हम अपना ट्रीटमेंट लखनऊ में करवाएंगे, और लखनऊ में मेरा मायका है। वो अब आपको ही पता है कि मेरा मायका लखनऊ का है, तो इस वजह से, और मेरे हस्बैंड की ही मर्ज़ी है कि मेरा ट्रीटमेंट लखनऊ से चले और मैं लखनऊ में ही रहूं, तो ताकि मेरे को रेस्ट मिल जाए। और बस यही रीज़न था हमारा लखनऊ के लिए। भगवान है ना, वो रास्ता दिखाते हैं और उस रास्ते पे चलना हमारा काम है, और शायद भगवान ने हमें यही रास्ता दिखाया है जिस पे हमें अब चलना है, और हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी। तो हम डॉक्टर से ही बात कर आए और डॉक्टर ने हमें दवाइयाँ दी हैं, मुझे मतलब दवाइयाँ दी, हाँ एक महीने की दवाई दी है और एक महीने के बाद बुलाया है, और ये भी बोली है कि शायद मैं देखूंगी पहले कि क्या चल रहा है, क्या तुम्हारे में इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके बाद हो सकता है कि सिस्ट का सर्जरी करनी पड़े उनको, ये भी बोला है डॉक्टर ने हमसे। तो सर्जरी बहुत डर लगता है इस नाम से, तो सिस्ट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो कुछ और कर पाएंगे, प्रोसेस उनका आगे चलेगा। तो यही अपडेट्स आपको देनी थी, और बहुत टाइम हो गया है आपसे बात किए हुए, आप सभी से मिले हुए, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा मुझे, मैं आपसे बात नहीं कर पाई, नहीं मिल पाई, सो सॉरी। बट आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और अपनी अच्छी बुरी बातें सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और करूँगी भी बिल्कुल। कभी आपको कहना है मेरे से आप कह सकते हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। और आपकी प्रीति, अपनी अपडेट्स, अपनी बातें, अपनी दिल की इच्छा और अपनी दिल की सारी बातें आपसे शेयर करेगी और हमेशा करती रहेगी, और आप सबको यूं ही प्यार करती रहूंगी मैं, और आप भी मुझे यूं ही प्यार देते रहिए, और अपना आशीर्वाद दीजिए कि सब अच्छा हो जाए और हमारे साथ जो भी हमारी परेशानियाँ हैं वो कम हो जाए, और प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे और मेरे लिए प्रार्थना करिए कि हमारी भगवान ये प्रॉब्लम कम कर दें। हाँ मैं जानती हूँ ख़त्म नहीं हो सकती पर कम हो सकती है, तो भगवान हमारी ये प्रार्थना सुन ले और ये प्रॉब्लम कम कर दे हमारी बस। तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय बाय, लव यू।